क्या माहौल चल रहा है यार। कितना निगेटिव, इतनी निगेटिविटी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। जिसे देखो वो एक ही चीज़ शेयर कर रहा है, जिसे देखो वो एक ही टाइप के ट्वीट कर रहा है, जिसे देखो इंस्टाग्राम पे एक ही टाइप के पोस्ट कर रहा है, जिसे देखो फेसबुक पे एक ही टाइप के पोस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप पर स्टेटस वही डाल रहे हैं, मैसेज उसी टाइप के शेयर कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे वही देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में वही पढ़ रहे हैं, मीडिया में वही देख रहे हैं। और आपको पता है, जब पूरी दुनिया एक ही काम करेगी तो वो काम हो के रहेगा, और ना चाहते हुए भी वो आपकी लाइफ में भी होने लगेगा। और आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बार बार चीख चीख कर सरकार, डॉक्टर्स, हर कोई कह रहा है, लेकिन घर में रहकर आप क्या काम कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। आप अगर दिन भर इसी तरह के मैसेज पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप बच जाएंगे? आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। इसीलिए ये आपके पास एक मौका है, समझ लीजिए भगवान ने आपको ये मौका दिया है अपने अंदर झांकने का। कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए इन दिनों जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और बचे रहेंगे। आपको खाना बनाने का मन होता था कभी, तो आज आप खाना बनाइए ना, अच्छा खाना बनाइए, अपने घर वालों को बना कर खिलाइए। म्यूज़िक कभी नहीं सुन पाए इतनी बिजी लाइफ में, म्यूज़िक सुनिए। गाना गाने का शौक था, गाना गाइए। पेंटिंग करने का शौक था, कभी पेंटिंग करिए। किताबें पढ़ने का शौक था, कभी नहीं पढ़ पाए, किताबें पढ़िए। कुछ अच्छा लिखना चाहते थे, पोइट्री की दो लाइन लिखना चाहते थे, लिखिए। गज़ल सीखना चाहते थे, सीखिए। इंस्ट्रूमेंट कोई बजाना चाहते थे, बजाइए। कोई मूवी जो कभी देखना चाहते थे इतनी बिजी लाइफ में कभी नहीं देख पाए, वो देखिए, अभी मौका है। अपने पसंदीदा सिंगर्स के गाने सुनिए। कितना कुछ है करने के लिए आपकी लाइफ में जब आप अकेले होते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि आप बाहर नहीं घूम सकते, तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। जब इंसान बाहर नहीं घूम पाता ना, तो उसे अपने अंदर घूमना चाहिए। आपका जो बॉडी है, माइंड, सोल, आपको पता है कितनी दूषित हो चुकी है, कितनी पॉल्यूटेड है वो, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आप खाली समय आधा घंटा अपने साथ बिताइए, अपने बारे में सोचिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कि आप जो कर रहे हैं वाकई आपको वो करना चाहिए या आपको कुछ और करना चाहिए। सोचिए अपने बारे में, क्योंकि आपकी जो बिजी लाइफ है ना, जो आपाधापी है, जो सुबह गए और रात में आए और खाना खाए और सो गए, उस तरह की लाइफ में आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, आप किस लिए दुनिया में आए हैं ना, वो आप भूल चुके हैं। हर चीज़ इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है ना कि आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अभी वो मौका है, भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप अपने अंदर झांकें और सोचें कि आप इस धरती पर क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। सोचें इस बात में, इस बात के बारे में सोचें, बार बार सोचें। अभी टाइम है आपके पास, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से आपकी ज़िंदगी वही भागा दौड़ी, आपाधापी, सुबह गए, शाम को आए, खाया पिया, सो गए, इसमें ही निकलने वाली है। लेकिन इन दिनों अगर आपने अपने आप को पा लिया, आपने अगर जान लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इससे बड़ी उपलब्धि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगी। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये मौका है अपने अंदर झांकने का। 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, मेडिटेट करिए और पूरी दुनिया के बारे में भूल जाइए। सिर्फ सोचिए कि आप इस दुनिया में हैं इस समय और कोई नहीं। करके देखिए एक बार, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि एक जादू है जो सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में ही हो रहा है, बाकी सब ऐसे ही भाग रहे हैं इधर उधर। और अभी देखिए, आपको भागा दौड़ी की इतनी आदत लग चुकी है कि आप अपने घर में एक दिन भी शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसी आपकी आदत हो गई है, ऐसी आपकी लाइफ हो गई है। ज़रा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्यों किसी दूसरे को आपको बताना पड़ रहा है कि आपकी लाइफ आपको कैसे जीनी है? आप खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का।
तो जब आज टाइम मिला है अपने बारे में सोचने का, तो आपको बाहर जाने का मन कर रहा है। और ऐसे ही दुनिया में 95% लोग करते हैं कि जब उन्हें जो कुछ करने का मौका मिलता है वो उस समय नहीं करते हैं जब उन्हें करना चाहिए, इसलिए वो फेल होते हैं। इसलिए सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, उसका रेशियो बहुत कम है और ये सदियों से है, अभी नहीं। आप पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए तो आपको उतने ही बहुत कम लोग सक्सेसफुल मिलेंगे। और रीज़न इसका सिंपल है कि जब आपको कुछ करना है तो उस समय आप वो नहीं कर रहे हैं, आप सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच रहे। बस यही एक डिफरेंस है सक्सेसफुल पर्सन में और एक फेलियर में। सोचिए अपने बारे में, घर के अंदर बैठे हैं, मस्ती करिए, बच्चों के साथ खेलिए, फोन पर बात करिए, लेकिन फोन पर भी आप एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिसे देखो वो एक ही न्यूज़ शेयर कर रहा है। कुछ पॉजिटिव शेयर करिए, कितने लोग रिकवर हुए कभी आपने उसके बारे में बात करी किसी से? कोई बात नहीं कर रहा, इक्का दुक्का न्यूज़ आती है कितने लोग रिकवर हुए, सिर्फ इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतनी लाशें जलाई जा रही हैं, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो आप सिर्फ वो शेयर करिए जहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, कितने लोग बच गए हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिली है, कितने केसेस रिकवर हुए हैं, कितनी कंट्रीज से मिट चुका है वायरस, वो सारी न्यूज़ शेयर करिए ना। आप पॉजिटिविटी फैलाइए ना, किसने रोका है पॉजिटिव न्यूज़ फैलाने से आपको? सिर्फ क्या नेगेटिव ही का ठेका ले रखा है सबने? अगर पूरी दुनिया नेगेटिव न्यूज़ फैलाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिव होगा। कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको घर बैठे कोरोना हो गया, घर बैठे, कहीं नहीं गए वो, किसी को टच नहीं किया, लेकिन वो कोरोना से ग्रस्त हो गए। और यही जो चल रहा है ना पूरा, उसी के कारण हो रहा है। और जो मस्त है ना उसे कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, और अगर उसे होगा तो वो अपने आप को सही कर लेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मौका है आपके पास अपने अंदर झांकने का, अपने आप को समझने का, और जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो आपको फिर दुनिया में हर चीज़ आसान लगने लगेगी, आपको हर जगह अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। अभी हमारी माइंड बॉडी सोल इतनी दूषित हो चुकी है कि हमें कहीं भी अच्छा दिखता ही नहीं है, और हमें दिखता है तो हमें बड़ी अड़चन सी होती है, हमें बेचैनी सी होती है, क्योंकि हमें बुरा देखने की आदत लग चुकी है। बुरा देखने में हमें मज़ा आता है, रस आता है, नहीं तो इतनी निगेटिव न्यूज़ क्यों लोग शेयर करेंगे? क्योंकि जो शेयर कर रहा है उसको भी पता है कि जो पढ़ने वाला है उसे भी मज़ा आने वाला है, और वो भी उसको शेयर करेगा। पॉजिटिव मैसेज कोई शेयर नहीं करता, कितने कम लोग पॉजिटिव मैसेज शेयर करते हैं। और इस माहौल में तो निगेटिव मैसेज शेयर करना मतलब एक महापाप करना है। तो आप सोच लीजिए, आप पाप करना चाहते हैं या पुण्य करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप घर में अकेले हैं तो अपने साथ ही रहिए, पूरी दुनिया भूल जाइए, ये आपको एक मौका मिला है, प्रकृति की ओर से कहिए, भगवान की तरफ से, अपने अंदर झांकने का, अपने आप को समझने का। इससे अच्छा बेहतरीन मौका कभी नहीं आएगा। पिछले साल भी आया था, हो सकता है कई लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया हो, लेकिन ये मौका फिर आया है, आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और बस उसी चीज़ में लग जाइए। मस्त रहिए, मज़े में रहिए, जो होना है वो होना है, और जो नहीं होना है उसे कोई नहीं कर सकता, इस बात पर यकीन रखिए। और चाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई, और जिसको मरना है वो चेयर पर बैठे बैठे भी मर जाता है। इसलिए कृपया करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आपकी लाइफ पे भी आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, अगर होता तो आप आज पूरे वातावरण में पॉजिटिव न्यूज़ फैला रहे होते, आपके चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव होता, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में हैं, सुरक्षित रहिए, अच्छा माहौल बनाइए, कुछ नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।